सत्र विशेष सत्र में सतत विकास लक्ष्य 2030 पर 36 घंटे की लगातार हो रही है चर्चा। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती आज विजय घाट पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज लखनऊ के सभी 110 वार्डों में मुख्यमंत्री दोनों उपमुख्यमंत्री और सभी मंत्री और विधायकों ने गांधी जयंती के अवसर पर चलाया विशेष सफाई अभियान। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार। आइए देखते हैं मेरे साथ इन समाचारों को थोड़ा विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आज दुनिया भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में भी भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर उनकी समाधि स्थल राजघाट पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस अवसर पर नई दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर एक वीडियो साझा कर उन्हें नमन किया है। पूरा विश्व महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। सत्य और अहिंसा का उनका संदेश विश्व की शांति, प्रगति और विकास के लिए आज भी प्रासंगिक है। गांधी जी ने कभी अपने जीवन से प्रभाव पैदा करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका जीवन ही प्रेरणा का कारण बन गया। सिद्धांतों के लिए इसी प्रतिबद्धता ने गांधी जी का ध्यान ऐसी 7 विकृतियों की तरफ खींचा और उनकी ये 7 बातें आज भी रिलेवेंट है, आने वाले कल भी रिलेवेंट रहने वाली। उन 7 बातें हैं वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, बिजनेस विदाउट एथिक्स, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, रिलीजियन विदाउट सेक्रीफाइस, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। चाहे क्लाइमेट चेंज हो या फिर आतंक, भ्रष्टाचार हो या फिर स्वार्थ परक सामाजिक जीवन, गांधी जी के सिद्धांत हमें मानवता की रक्षा करने के लिए मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। मुझे विश्वास है कि गांधी जी का दिखाया ये रास्ता बेहतर विश्व के निर्माण में प्रेरक सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों का विशेष सत्र आज महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर शुरू हुआ। 11 बजे सवेरे से शुरू हुए इस सत्र में विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही लगातार 36 घंटे तक चलती रहेगी। विधानमंडल का विशेष सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज दो महापुरुषों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनको नमन करता हूँ। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आज सदन चर्चा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित लक्ष्य विजन 2030 के 16 गोल उत्तर प्रदेश में लागू होने हैं, इस पर हम समान रूप से कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्चर्य है कि सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा की घड़ी आई है, उस समय विपक्ष गैर हाजिर है।
ये सदन की अवमानना के साथ गरीबों और बापू का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए सबने सहमति भरी थी, लेकिन आज प्रस्ताव पर चर्चा है तो विपक्ष अनुपस्थित है। सबसे पहला गोल है गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, यानी दुनिया के हर देश में सभी लोगों की अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना, और उन लोगों को अत्यधिक गरीब माना जाता है जो प्रतिदिन, यानी अगर अमेरिकन डॉलर के हिसाब से मानेंगे तो 1.25 डॉलर से कम की आय जिन लोगों की प्रतिदिन की है, उन लोगों को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला मान करके इस देश से गरीबी की पूर्णता समाप्ति की दिशा में क्या कार्य योजना बन सकती है, इस पर चर्चा करने के लिए पहला विषय ये है। दूसरा है भूखमरी की समाप्ति, जिसमें खाद्य सुरक्षा की गारंटी के साथ ही बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना इस गोल के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, बेहतर जीवन स्तर। चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा है लैंगिक समानता। छठा है साफ स्वच्छ और पानी और स्वच्छता के मिशन को पूर्ण करना। सातवां है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। आठवां है अच्छा काम और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। नौवां है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा के विकास की दिशा से कार्य करना। दसवां है असमानता में कमी। ग्यारहवां है टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास के लिए ठोस कार्य योजना बनाना। बारहवां है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करना। तेरहवां है जलवायु परिवर्तन। चौदहवां है भूमि पर जीवन। सतत उपभोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि संरक्षण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने के लिए निरंतर प्रयास और उसके लिए ठोस कार्य योजना बनाना। पंद्रहवां है शांति और न्याय के लिए स्थापना। और सोलहवां लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आज सुबह लखनऊ के 1090 चौराहे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ नगर निगम के कर्मचारियों को प्लास्टिक वेस्ट पर शपथ दिलाई। इस अवसर पर हजारों की संख्या में नगर निगम के कर्मचारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्कूलों के बच्चों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए प्लास्टिक को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्लास्टिक के खिलाफ जन जागरूकता के माध्यम से अभियान चलाकर इसे सफल बनाया जा सकता है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आइए समाचारों में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में आज गांधी संकल्प यात्रा केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे की अगुवाई में शुरू की गई। यह यात्रा पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के पंचम पड़ाव कपिलधारा तीर्थस्थल से शुरू हुई और गौरा होते हुए जालुपुर तक जाएगी। संकल्प यात्रा में हजारों की संख्या में आमजन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर सभी ने सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने तथा स्वच्छता का संकल्प लिया।
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आज फतेहपुर जनपद में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। नगर पालिका परिषद बिंदकी में स्वच्छता का संदेश देते हुए स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी की सोच को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गांधी संकल्प यात्रा को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता की सोच को अपनाकर समता व स्वच्छता के साथ जीवन यापन कर बापू के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करें। पूरे देश में सेवा के रूप में मना रहे हैं और मैं समझती हूँ कि आज के दिन प्रत्येक देशवासी को कुछ न कुछ अच्छा संकल्प लेना चाहिए, अच्छा काम करें, बापू जी का जो सपना था उसको हम लोग साकार करें। बापू जी का सपना वसुधैव कुटुंबकम, और एक इतने उच्च पद पर होने के बाद जिनको भारत पूरा बापू के नाम से पुकारता था, जिनकी विश्व में एक ख्याति भी है, उनके नाम से हम कुछ ना कुछ अच्छा संकल्प लें। गांधी जयंती के अवसर पर आज लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शहीद स्मारक पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शहीद स्मारक से गांधी प्रतिमा तक हजरतगंज तक पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस पदयात्रा में हिस्सा लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर जाकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि गांधी जी सभी के प्रेरक थे, उनकी प्रेरणा से ही देश आगे बढ़ सकता है। सपा प्रमुख ने कहा कि गांधी जी के विचारों को लेकर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आज सुल्तानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी ने घुड़वार में गांधी संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। श्रीमती गांधी ने घुड़वार, इसरौली, भगवानपुर, सहगौली व प्रतापपुर में 15 किलोमीटर संकल्प यात्रा का नेतृत्व करती रहीं। श्रीमती गांधी ने खेत खलिहानों व कूची गली कूचों से निकलते हुए ग्रामीणों को स्वच्छता अभियान का संदेश दिया। भंडारा गांव में सांसद श्रीमती मेनका गांधी ने गाय को चारा खिलाकर अपने पशु प्रेमी होने का भी संदेश दिया। 150 किलोमीटर 150 लोग चले तो हम यही कर रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, नेतागण हैं, सब लोग हम एक साथ। आज हम लोग 7 गांव जाएंगे और 15 किलोमीटर करेंगे। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन आगे पढ़ने से पहले देखते हैं एक छोटा सा विराम। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भाजपा विधायकों ने प्लास्टिक को जड़ से मिटाने के संकल्प के उद्देश्य से लखनऊ के सभी वार्डों में सफाई कार्य किया, जिसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री केशव शर्मा, डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक, श्रीकांत शर्मा, मोहसिन रजा, स्वाति सिंह सहित बड़ी संख्या में मंत्री, विधायक तथा भाजपा पदाधिकारियों ने लखनऊ के विभिन्न आयोजनों के माध्यम से स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ब्रज में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत हुई। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गांधी संकल्प रैली का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ निगम चौराहा स्थित गांधी पार्क में किया गया। इस अवसर पर सांसद हेमा मालिनी ने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की भी अपील की। एक
बहुत बड़ा एक काम हो रहा है आज, जो ऐसा लगता है कि आज ही शुरू हुआ करके हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही पिछले 4 साल से यही इसी काम पर उन्होंने बहुत जोर लगाया, लेकिन आज ये 150th ईयर महात्मा गांधी जी का है तो बहुत बड़ा पैमाने में पूरा हिंदुस्तान में ये मनाया जा रहा है। और ये अभियान उनके नाम पर, स्वच्छता का अभियान जो भारत के लिए उनका जो सपना था महात्मा गांधी का, वो साकार होने के लिए पूरी तरह से पूरी जनता उसके लिए तैयार हैं। मुझे देखने को आज सुबह से मिल रहा है कई टोली बन बन के कई लोग जा रहे हैं ये स्वच्छता के लिए। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर विच इज हैपनिंग, क्योंकि सबको एक एहसास अभी हो चुका है कि हमारे देश को स्वच्छ और हरित रखना जरूरी है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। गंगे नमामि गंगे, रक्त जोगि बहता पानी, दोनों की यही कहानी, अविरल धारा होगी जब निर्मल गंगा होगी तब, सर्वबंधु की जान है हम है। अधिक जानकारी हेतु स्थानीय निकाय से संपर्क करें। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सुना ला दे, मुझे तो बस एक ही गाना आता है। बनो जो लगाले, सब जान कर ही तो, पिया घर जाना, बनो जो आधुनिक और आसान होते जा रहे हैं परिवार नियोजन के साधन, जैसे नया MPA इंजेक्शन। आप किसी भी सरकारी अस्पताल जाकर ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। फोन करें और पाएं परिवार नियोजन से जुड़ी हर जानकारी। जुड़ी जिम्मेदार, जो प्लान करे परिवार। ब्रेक के बाद आइए समाचारों में आगे बढ़ते हैं। आज गांधी जयंती के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश को स्वच्छता और सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त का आह्वान किया गया। स्वच्छता और देश को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए बरेली नगर निगम द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। यह मानव श्रृंखला नगर निगम से शुरू होकर गांधी उद्यान पर समाप्त हुई। हाथ से हाथ मिलाकर सिंगल यूज प्लास्टिक और स्वच्छता की शपथ ली गई। इस मौके पर महापौर उमेश गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत बनाया जा रहा है। महात्मा गांधी के 150 वर्ष पूरे होने पर बरेली में आज पूरी तरह से इसे बैन कर दिया गया और शहरवासी इस मिशन में पूरा सहयोग करेंगे। आज इस मानव श्रृंखला में समाज सेवी, NGO, स्कूल और नगर निगम के अधिकारियों सहित 2,500 लोग शामिल हुए। आज ये मानव श्रृंखला बनाई गई है नगर निगम के द्वारा। नगर निगम के सारे अधिकारी कर्मचारी, सारे NGOs, सारे लोग लगे हैं। करीब 2,500 से ज़्यादा, 2,600 लोग करीब इसमें शामिल हैं, जो ये संदेश दे रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज 150वीं जयंती पर महात्मा गांधी जी के। ये संकल्प है कि प्लास्टिक मुक्त, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो भारत हो, उसी के लिए नगर निगम बरेली द्वारा ये मानव श्रृंखला बनाई गई है। यहाँ सभी ने ये शपथ ली है कि हम आज से किसी भी तरह का सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको बंद करेंगे अपने घर से, अपने प्रतिष्ठानों से और शहर से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से बरेली आज ये आगे आया है, बरेली में प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल आज से पूरी तरह से बैन हो जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी 115वीं जयंती है। राजघाट के बाद पीएम मोदी विजय घाट पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी। विजय घाट से जब जाइए
भारतवर्ष के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री व गांधी जयंती पर वाराणसी में छात्र छात्राओं युवक युवतियों का गजब का उत्साह देखने को मिला। यहां पर शहर के गणमान्य लोगों ने शास्त्री चौक पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा की साफ सफाई की। लोगों ने शास्त्री जी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। शहर के युवकों के एक दल ने भी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर लोगों ने अपना पथ प्रदर्शक मानते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। पूर्व प्रधानमंत्री और देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। इस दिन पे हमें उनकी सोच को याद करना चाहिए, कैसे एक समय में उन्होंने एक बहुत ही गौरवान्वित किया इस देश को। देश के लिए उन्होंने जंग जीती और बहुत ही डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी किए, और उनके सोच को याद करते हुए आज हम अपने सारे स्टूडेंट्स को, अपने सारे बच्चों को, सारे विद्यार्थियों को उन्हीं की जैसे बनने की प्रेरणा देना चाहते। जिस तरह से उन्होंने रामनगर का, जहां से हम बात कर रहे हैं, इस पूरे वाराणसी का, इस पूरे देश का, भारत का नाम रोशन किया है, वैसे ही हम सबसे अनुरोध करेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह उनके बलिदान को, उनके त्याग को, उनके समर्पण को हम उससे प्रेरणा लें और आगे उसी उन्हीं का अनुसरण करें और अच्छे काम करें। उनके आज जयंती पर हम संकल्प लें कि सिर्फ अच्छे काम करेंगे, सच्चाई का जीवन जिएंगे और अपने देश को स्वच्छ और वातावरण को, जो आज की समस्या चल रही है, उसको ग्रीन बनाएंगे, उसको ग्लोबल एनवायरनमेंट को हम मुक्त करेंगे, शुद्ध करेंगे। समाचारों के बुलेटिन फिलहाल यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।